हेलो फ्रेंड्स, हेलमा की रसोई में स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ लोबिया बीन्स। तो इसको ऐसे करके तोड़ते हैं, फिर इसको ऐसे इसके धागे निकाल देते हैं, जो रेसे होते हैं ना, उसको इस तरह। आप इतने बड़े बड़े साइज में इसको कर सकते हैं। इसके धागे ज़रूर निकालनी है, क्योंकि इसके धागे जो हैं वो मुंह में आते हैं पकने के बाद, नहीं तो इसके धागे अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसे वैसे तो इसकी आवाज़ आती है टक सी, उसी से आप जान जाएंगे इसके कितने धागे हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होता है धागा। इसको जब आप ऐसे करके तोड़ेंगे तो ये ऐसे निकलेगा। ऐसे चलिए, मैं साफ करके फिर मैं आलू को भी चाकू छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने धो लिया है, साफ करके अच्छे से धो लिया है 3 से 4 बार। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया है, गैस को कर दूँगी ऑन। करीब तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तेल गर्म हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच करीब जीरा, और इसको तड़कने दूंगी पहले अच्छे से। देखिए ये हो चुका है मेरा जीरा। मैं डाल दूंगी सब्जी। स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, अब मैं इसे ढक के अच्छे से पकाऊंगी। बीच बीच में हम इसे चेक भी कर लेंगे ताकि नीचे लगे ना हमारी सब्जी। चलिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी को चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा कसर रहता है आलू का, बिल्कुल थोड़ा सा ही है। अब मैं इसमें एक काट के टमाटर डालूंगी, छोटा टमाटर। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास छोटा टमाटर नहीं है, इसलिए मैं आधा टमाटर डाल दी हूँ ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट के, कुछ इस तरह। अब मैं इसे अच्छे से हिला के उसके बाद ढक के थोड़ी देर और पकाऊंगी, जिससे मेरा टमाटर अच्छे से गल जाए। चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्जी है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर भी थोड़ा सा गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 2 पिंच करीब अमचूर पाउडर। अब हम थोड़ा सा गैस को तेज कर लेंगे, उसके बाद इनको अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी सी और पकाएंगे। उसके बाद हमारी सब्जी तैयार है, जब तक इसमें मसाला अच्छा से ना पक जाए। आलू भी पक चुका है हमारा। चलिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी को देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी पक गई है। हम मसाले को अच्छे से मिलाने के लिए, जिससे सूखा सूखा ना लगे, थोड़ी सी 2 चम्मच करीब पानी डाल रहे हैं।
अब हम गैस को तेज करके इसको भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सब्जी है वो ये कुछ इस तरह का दिखती है हमारी। तो हमारी सब्जी रेडी है, अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप भी बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए। ये ज़्यादातर गांव में मिलता है। इसका दो कलर मिलता है, एक रेड भी मिलता है, एक ग्रीन भी मिलता है, लाइट ग्रीन। आप भी देखिए, अगर आपको रेड वाला मिलता है तो रेड वाला भी बहुत टेस्टी लगता है। ये भी टेस्टी लगता है, पर रेड वाला का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। आप भी बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।